हेलो एवरीबॉडी, आई एम युवराज सिंह पाल, एसआरजी फर्रुखाबाद। नमस्कार। आज आपको अंग्रेजी शिक्षा के क्रम में एक नया डायग्राफ लेकर के आया हूं और वह डायग्राफ है ई आई, अर्थात ई आई दोनों लेटर एक साथ प्रयोग किए जाएंगे तो इनकी साउंड किस तरीके से निकलेगी। वैसे तो इस डायग्राफ की कई ध्वनियां हैं, कई साउंड्स हैं, लेकिन यहां पर हम मुख्य ध्वनियों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनमें से हमने आज पहली साउंड ली है ई, अर्थात आज हम ई आई की ई साउंड पर चर्चा करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। और यहां हमने कुछ शब्दों की सूची तैयार की है, बच्चे मेरे साथ इन शब्दों को बोल करके और इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अथीस, कैफीन, सीलिंग, कंसीट, कंसीव, डिसीट, डिसीव, डीफाई, ईदर। इसका एक और प्रोनाउंसिएशन होता है जो ज्यादा लोकप्रिय है, आइदर। तो बच्चे ईदर भी कह सकते हैं इस शब्द को और आइदर भी पढ़ सकते हैं। नीदर, इसी प्रकार से इस शब्द का भी एक और पॉपुलर प्रोनाउंसिएशन है, एक और पॉपुलर उच्चारण है, वो है नाइदर। तो अगर बच्चे नाइदर कहते हैं तब भी सही है और नीदर कहते हैं तब भी सही है। परसीव, प्रोटीन, रिसीव, रिसीट, सीज, थीस्ट। यह मैंने ई आई डायग्राफ की ई साउंड पर आधारित कुछ सेंटेंसेस की, कुछ वाक्यों की एक लिस्ट तैयार की है। इसे बच्चे मेरे साथ बोल करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ही इज एन अथीस्ट, द सीलिंग फैन इज सीज्ड, शी इज अ डिसीट, डोंट डिसीव हिम, He did not receive the receipt. He is a theist, but his wife is an atheist. Take the food rich in protein. Conceive a good plan. तो आज आपने ई आई डायग्राफ की ई साउंड का अभ्यास किया। बच्चे इसी तरीके से मेरे साथ बोल करके पढ़ने का अभ्यास करते रहेंगे। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक डॉक्टर राजेंद्र पेंशिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको समय से प्राप्त होते रहें। नमस्कार।